पवार साहब बोले होंगे, लेकिन कौन पार्टी को कोई खत्म नहीं कर सकता है, पार्टी का अस्तित्व तो हर जगह पर होते रहता है। लेकिन पवार साहब ने बोला कि भाई जिस तरह पार्टी टूट रही है तो उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। पवार साहब भी अगर बीजेपी के साथ आते थे तो उनकी पार्टी नहीं टूटती थी, उद्धव ठाकरे अगर बीजेपी के साथ आते तो उनकी पार्टी नहीं टूटती थी। तो ये पार्टी टूटने के लिए उनके नेता जिम्मेदार है। तो पवार साहब ने बीजेपी को दोषी ठहराना ठीक नहीं है। और भी टाइम नहीं गया है, पवार साहब को पार्टी अगर नहीं तो तोड़नी है तो पवार साहब ही अगर बीजेपी के साथ आ जाते, एनडीए के साथ आ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एनसीपी एक साथ रहेगी और पवार साहब का भी उपयोग महाराष्ट्र के देश के विकास के लिए होगा। तो लेकिन पवार साहब के आरोप में तथ्य नहीं है कि भाई इसमें बीजेपी किसको नहीं तोड़ रही है और बीजेपी किसको खत्म नहीं करना चाहती है। लेकिन बीजेपी सत्ता 2024 के हाथ में लेना चाहती है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। तो उसके लिए हम किसी पार्टी की तोड़फाड़ करने का काम हमारा बिल्कुल नहीं है और इस टूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराना सही बात नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।